हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्ञानम डिफेंस ऑन यूट्यूब। और आप सभी को पता है कि एमआर एमएनएस डिफेंस के दो एग्जाम्स आपके नियर बाय एग्जाम्स हैं और दोनों के लिए स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट है। और जीके के इस पोर्शन में मैंने पूरा निचोड़ खींच के लेके आया हूँ। जैसे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस सीरीज की, इस क्वेश्चन, इस वीडियो की सबसे बेस्ट थिंग क्या है, ये स्टैटिक जीके है। और स्टैटिक जीके में आप लोग क्या देखते हैं, देखो इंपॉर्टेंट डैम्स ऑन रिवर्स, कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स, कुछ इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस, किताबें, उनके ऑथर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, ठीक है, कुछ लार्जेस्ट है ना, लार्जेस्ट, लोएस्ट, स्मॉलेस्ट, ये सभी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट पीजेंट मूवमेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स, उनके कुछ काम, कुछ फंक्शंस, ये सब नोटिस करेंगे, आप सब देखते हुए चलेंगे। तो आज मैं आप सभी के लिए पूरा एक तरह का निचोड़ लेके आया हूं जो एम आर एम एन एस की पूरी जीके को खंगोल के रख देगा, ठीक है। तो जल्दी से एक बार लाइव हो जाएं, लाइव हो जाओ जल्दी से और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो। अपनी प्रेजेंट शो करो भाई जल्दी से एक बार। खुश मिश्रा, श्री त्रिपाठी जी का इंग्लिश ग्रामर पेड कोर्स कब तक आएगा? हाँ बिल्कुल बताएंगे आपको, टेक्निकल टीम से अभी आपके लिए मैसेज डलवा देंगे आपको, ठीक है। एक बार तो जल्दी से खुशी जी, आप भी अगर ये लेक्चर आप अच्छे से देखना चाहते हैं तो जल्दी से शेयर कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो भाई जल्दी से, जितना हो सके शेयर करो भाई, बहुत ज़रूरी है शेयर। खुश मिश्रा जी, कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाएगी, ये थोड़ी बोरिंग हो जाती है, कोई नहीं, आप पहली बार पढ़ रहे हैं इन चीज़ों को, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम इजी करेंगे इनको, जितना हो सके अपने एफर्ट्स के साथ आपकी इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो इस आधे घंटे की क्लास में आप बहुत कुछ सीख के जाने वाले हो इसको जितना। असीम अग्रवाल जी गुड आफ्टरनून, चिराग कटारिया जी बादाम खाओ, अच्छा अच्छा बिल्कुल खाएंगे भाई, बिल्कुल खाएंगे, एक बार पढ़ा लेते हैं याद रहेगी बिल्कुल, हाँ अच्छा अच्छा इसके वे में कह रहे हैं, खुश मिश्रा जी को कह रहे हैं भाई ये बादाम बादाम खा करो, याद रहेगी हिस्ट्री, बादाम से काम नहीं चलेगा भाई, हिस्ट्री पढ़ने के लिए पढ़नी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, किताबें काली करनी पड़ती है भाई। खुश मिश्रा बादाम और अखरोट सब खा लिया है। विजय जाट, सर एमएनएस में जनरल साइंस आती है या फाउंडेशन फाउंडेशन लेवल? नहीं बिल्कुल जनरल साइंस ही आती है, तभी तो मैं लेक्चर सीरीज उसके लिए भी चल रही है ना आपके दूसरे चैनल पे जो एसएससी के लिए, वहाँ लेक्चर सीरीज चल रही है, वो भी देख लेना आप, मैं यहाँ लिंक डलवाऊँगा भाई। एक हमारा एक और यूट्यूब चैनल है ज्ञानम डॉट कॉलेज, उस पर साइंस की लेक्चर सीरीज चल रही है, क्वेश्चन सीरीज चल रही है, 1000 MCQs करवा रहे हैं उसमें, 1000 MCQs करवा रहा हूँ मैं वहाँ पर, तो वो सीरीज़ भी ज्वाइन कर लें आप, वो देख लें आप एक बार, ठीक है।
वो ज्ञानम, ज्ञानम जो केवल ज्ञानम डॉट कॉलेज नाम से होगा, ज्ञानम कॉलेज नाम से आपको मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, मैं कर देता हूँ। शुरान जी, राम राम, राम राम भाई, विजय जाट, थैंक्स। कोई दिक्कत नहीं है विजय भाई, आप लोग बस कंटिन्यूस। सर पीडीएफ भी दिलवा देंगे, साइंस के 1000 क्वेश्चंस किए, आपकी पीडीएफ भी डलवाने की कोशिश करेंगे भाई, बिल्कुल सारे लिंक भेज देंगे, डोंट वरी। आप बस पढ़ने पे ध्यान दें फिलहाल, ठीक है। एक बार है ना, जल्दी से मुझे ये बताओ कि आवाज़ सही आ रही है, आवाज़ सही आ रही है या कोई और? देखो बढ़िया, चिराग कटारिया जी बहुत बढ़िया हूँ, आप सुनाओ, आप सुनाओ, आपने इतना पूछ लिया ना, मैं और अच्छा हो गया। ठीक है असीम अग्रवाल जी, हाँ आवाज़। और ये बता दो कि कोई और टेक्निकल इशू आपको, ढंग से फोन्स ढंग से दिखाई दे रहा है? हाँ चिराग कटारिया जी बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है। ओके ओके खुश मिश्रा जी, एक बार जल्दी से ये और कमेंट करें, क्या आपको ये पीजेंट मूवमेंट्स जो नज़र आ रहा है इसमें ये सभी दिखाई दे रहे हैं? दिखाई दे रहे हैं, अगर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आप भी अपने फ़ोन को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और क्वालिटी बढ़ा लेंगे। ठीक है क्वालिटी बढ़ा लो वीडियो की, नेट अवेलेबल हो ही जाता है। ठीक है बिल्कुल भाई, चलो अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है पीजेंट मूवमेंट्स। ठीक है मैं यहीं से आपको करवाऊंगा, और आप जो भी आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट चीज़ है, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, ये सीधे क्वेश्चंस हैं, सीधे क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देखो ये पीजेंट का मतलब होता है किसान, यानी फार्मर्स के हैं कुछ, ठीक है, किसानों के कुछ विद्रोह किए किसानों ने किसी बात को लेके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखियो सबसे पहला अगर मैं यहां बात करूं कि इंडिगो रिवोल्ट है, इंडिगो रिवोल्ट, इंडिगो रिवोल्ट जो है यानी नील खेती के लिए बंगाल में 1859 में, 1859 में किया गया। एक बार पढ़ो इनको, पढ़ते चलो भाई इनको, मैं यहाँ इंपॉर्टेंट इसमें से भी छटवा दूंगा, वैसे सर इंपॉर्टेंट ही है पर मैं इंपॉर्टेंट यहां से छटवा दूंगा आपको, डोंट वरी। ठीक है ठीक है, तो एक बार जल्दी से ये बताएं, आपको फोन अवेलेबल है ही, ठीक है नजर आ रहे होंगे, ये इंडिगो रिवोल्ट है बंगाल में 1859 में हुआ। ठीक है उसके बाद यहाँ पे चंपारण हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिहार में 1917 में गांधी जी ने लीड किया था, और इंडिगो रिवोल्ट विष्णु और दिगंबर बिश्वास ने, विष्णु और दिगंबर बिश्वास ने, मैं जो यहाँ पे आपको अंडरलाइन करवा रहा हूं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से देख लेना बस। ठीक है खेड़ा सत्याग्रह ये गांधी जी ने लीड किया था 1918 में गुजरात में, ये मोपला का केरला का विद्रोह था भाई, केरला के किसानों का मोपला, याद रखेंगे। बरदोली, बारदोली जो है ये गुजरात में, ये वल्लभ भाई पटेल ने 1928 का विद्रोह था किसानों का, याद रखेंगे। इनमें से चंपारण, खेड़ा और बारदोली, बोरसाद भी बोलते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पीजेंट मूवमेंट में, क्लियर है? ये पीजेंट मूवमेंट के ये क्वेश्चंस ध्यान से देख लो, अभी भी फिर से बता रहा हूं, चंपारण, खेड़ा, मोपला, बारदोली और चंपारण। ठीक है खेड़ा, मोपला, बारदोली, इंडिगो, ठीक है जी। ओके चलो नेक्स्ट स्लाइड को देखो ध्यान से एक बार, नेक्स्ट स्लाइड को ध्यान से देखो अब। अब टॉपिक देखो आपका क्या टॉपिक है, टॉपिक आपको नजर आ रहा होगा, ध्यान से देखो टॉपिक क्या नजर आ रहा है आपको। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना बुक्स एंड ऑथर्स का, यानी इंपॉर्टेंट, ये काफी बड़ा टॉपिक रहेगा लेकिन मैं इसमें से आपको सिलेक्टेड बुक्स बताने वाला हूं जो एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। देखो जीके बूस्टर मैं आपके लिए जो लेके आया हूं आज, ये आपकी पूरी जीके का निचोड़ है, ये आपको करना ही है याद, इस तरह के स्टैटिक क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ध्यान से देखो भाई, देखो सबसे पहले बुक की अगर मैं बात करूं, यहां पे बुक्स कर रहे हैं तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन जो है ये श्री अरबिंदो घोष, श्री अरबिंदो घोष की बुक है। ठीक है श्री अरबिंदो घोष की बुक है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है लाइफ डिवाइन, लिविंग हिस्ट्री, लिविंग हिस्ट्री जो है ये हिलैरी क्लिंटन की बुक है, हिलेरी क्लिंटन की बुक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है ओके, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला 28 साल जेल में, काला पानी, काफी इंपॉर्टेंट। अब इंपॉर्टेंट है हमारे लिए माई म्यूजिक माई लाइफ, पंडित रविशंकर की बुक है माई म्यूजिक माई लाइफ,
ये भी माई ट्रूथ, मिस इंदिरा गांधी ने बुक लिखी माई ट्रूथ, मेरी सच्चाई, क्लियर है। मदर इंडिया बुक कैथरीन मायो ने लिखी मदर इंडिया। माई प्रेसिडेंशियल ईयर, माई प्रेसिडेंशियल ईयर जो है, ये देखो ध्यान से एक बार, माई प्रेसिडेंशियल ईयर को ध्यान से देखो, ये बुक किसकी है? वी वेंकटर रमन, वेंकटस रमन जो हमारे प्रेसिडेंट बन रहे थे, ठीक है, वेंकटस साइंटिस्ट थे, वेंकटस रमन, उनके उन्होंने लिखी है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहां पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, एनी फ्रैंक। ये एक टेक्स्ट बुक में अपने लेसन भी हुआ करता था, ए डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, एनी फ्रैंक। अभी दिख रहा होगा आपको, अभी दिख रहा होगा वो, क्योंकि मैंने उठा दिया है उसको, ऊपर की तरफ कर दिया है, ठीक है। खुश मिश्रा जी, अभी आपको विजिबल हो रहा होगा, डोंट वरी। तो देखो, डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, ये एनी फ्रैंक की बुक है, एनी फ्रैंक। ओके, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, काफी इंपॉर्टेंट बुक, अरुंधति रॉय, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, स्मॉल थिंग्स के गॉड जो बुक है वो अरुंधति रॉय की बुक है, क्लियर है। गोल्डन गेट बहुत इंपॉर्टेंट, विक्रम सेठ की किताबों से आज बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, विक्रम सेठ बहुत अच्छे राइटर हैं, वहां से क्वेश्चन पूछने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। द गोल्डन गेट ये लिखी है विक्रम सेठ ने, विक्रम सेठ की किताब है भाई, ठीक है। ये जो मैं नोट बना रहा हूं, इन पे हेडिंग डाल रहा हूं, इनको मार्क कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। अब इंपॉर्टेंट है यहां पे, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, चार्ल्स डार्विन की बुक है, बायो की बुक लिखी थी इन्होंने, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, चार्ल्स डार्विन, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, विंस्टन चर्चिल, पीएम थे भाई, ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल, इन्होंने बुक लिखी द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्लियर है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आर के नारायण की एक बुक थी स्वामी एंड फ्रेंड्स, स्वामी एंड फ्रेंड्स आर के नारायण की बुक, ये एक इंपॉर्टेंट बुक है, क्लियर है। मैं यहां पे छटवा रहा हूं आपको इंपॉर्टेंट बुक्स, ये तो करने ही है, बाकी ये आप छोड़ नहीं सकते जो मैं मार्क कर रहा हूं, बाकी सभी को आप रीड आउट करके एक दो बार जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। नेक्स्ट स्लाइड आपको नजर आएगी, अब यहां पे देखो क्या नजर आ रही है आपको बुक, यहां पे देखो, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अटल बिहारी वाजपेयी की न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी की न्यू डायमेंशन, ये बुक है अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, काफी इंपॉर्टेंट बुक भाई, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट है विष्णु शर्मा की बुक थी पंचतंत्र, पंचतंत्र किसने लिखी? विष्णु शर्मा ने, ठीक है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहां पे बुक पोस्ट ऑफिस, रविंद्रनाथ टैगोर की बुक थी पोस्ट ऑफिस, अच्छे से जूम कर किया हुआ है मैंने ताकि आपको विजिबल हो जाए, बिल्कुल विजय जाट जी, बिल्कुल करवाएंगे आपको, विजय जी करवाएंगे, करमजीत विर्क जी, हर्षिता कुंवर, ये 3 से 4 होती है, 10-15 मिनट हम लेट हो गए थे, ठीक है। आपके सारे जितनी भी इंक्वायरी है हमारी टेक्निकल टीम आपको जवाब देने वाली है, अच्छे से आपको प्रॉपर गाइड करेगी। आप मुझे बस इतना बता दें कि अभी पढ़ने पे ध्यान दे लो एक बार, ये लास्ट में आपकी सारी इंक्वायरीज का बाद में मैं पूछ लूंगा कि कोई इंक्वायरी हो तो उस टाइम लिख देना, ठीक है। चलो अभी बुक्स पे ध्यान दो कि क्या पूछा जा रहा है। वेल्थ ऑफ नेशन बहुत इंपॉर्टेंट बुक, एडम स्मिथ की बुक है, वेल्थ ऑफ नेशन, टाइम मशीन इस बेस्ड मूवी भी बन चुकी है, टाइम मशीन एच जी वेल्स ने लिखी है। ट्रेन टू पाकिस्तान मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, खुशवंत सिंह की बुक है ट्रेन टू पाकिस्तान, क्लियर है, काफी इंपॉर्टेंट भाई। अब इंपॉर्टेंट है वेकअप इंडिया, वेकअप इंडिया बुक थी एनी बेसेंट की बुक, एनी बेसेंट की बुक। विंग्स ऑफ फायर हमारे बहुत ही मशहूर राष्ट्रपति साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, विंग्स ऑफ फायर, क्लियर है। रंग भूमि ये बुक थी प्रेमचंद की, प्रेमचंद की बुक है। यू कैन विन शिव खेड़ा की बुक, यू कैन विन,
आप जीत सकते हैं। ये बुक शिव खेड़ा की बुक है, ठीक है, तो ये मैंने यहां पे मार्क करवा दी इंपॉर्टेंट बुक, ठीक है, इसको नोट बनाते हुए चलें। अब यहां पे लिखेंगे आप, बुक देखेंगे ध्यान से और इंपॉर्टेंट बुक देखो, दास कैपिटल, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की बुक, बहुत इंपॉर्टेंट, एसेज ऑन गीता अरबिंदो घोष की, पहले भी बुक की बात कर चुका हूं मैं, और यहां पे भी एसेज ऑन गीता, फ्रीडम एट मिडनाइट, फ्रीडम एट मिडनाइट लैरी कोलिंस एंड डोमिंक्यू लैपियरे, डोमिंक्यू लैपियरे, ठीक है, गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की, ठीक है, सरोजनी नायडू की एक इंपॉर्टेंट बुक थी गोल्डन थ्रेशहोल्ड, गोदान, ये सभी बुक आपको पता है, ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये भी टेक्स्ट बुक में, हमारी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में चैप्टर हुआ करता था इसी बुक पे, ठीक है, तो ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में पंडित जवाहरलाल नेहरू की बुक है, ठीक है, उनके द्वारा लिखी गई बुक है। चलो अब आगे देखते हैं, अपने नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है वो जल्दी जल्दी से करते हुए चलेंगे। अब इंपॉर्टेंट है यहां पे हैमलेट, देखो ध्यान से, हैमलेट बुक नजर आ रही है आपको, हैमलेट विलियम शेक्सपियर की बुक है, हैमलेट, हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर, जेके रोलिंग, इनके बहुत बड़े नॉवेल पे ये पूरी मूवी सीरीज बनती है, बनी हुई है। इग्नाइटेड माइंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट, इग्नाइटेड माइंड्स डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम की, पहले विंग्स ऑफ फायर भी देख चुके हैं, ठीक है, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड बुक, इंडिया ऑफ आवर ड्रीम्स, हमारे सपनों का भारत, एम वी कामेट, इंदिरा द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी, लाइफ ऑफ इंदिरा मतलब लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी, कैथरीन फ्रैंक की बुक थी, कैथरीन फ्रैंक, इनविजिबल मैन, टाइम मशीन भी लिखी है इन्होंने, एच जी वेल्स ने टाइम मशीन भी लिखी है इन्होंने, ठीक है, ये ध्यान से देखें भाई इन बुक्स को, इन बुक्स को ध्यान से देखें, गाइड बुक भी लिखी थी, गाइड एक लिखी थी आर के नारायण की बुक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब टॉपिक ध्यान से देखो, यहां पे लिखा हुआ है कुछ फैक्ट्स और कुछ नेम प्लेसेस हैं, ठीक है, अब ध्यान से देखो इनको, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट डेल्टा, इंडिया की बातें हो रही हैं, सबसे लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कहां है, पश्चिम बंगाल। मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया मध्य प्रदेश का है, अब बढ़ चुका है ये मध्य प्रदेश का ही, अभी भी 2019 की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई उसमें भी आ गई है। सबसे बड़ा जू, जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता के अंदर। सबसे बड़ा स्टेडियम युवा भारती, ठीक है, स्टेडियम है युवा भारती स्टेडियम कोलकाता। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे NH7 है भाई, वाराणसी से कन्याकुमारी, काफी इंपॉर्टेंट। हाईएस्ट अवार्ड सिविलियन अवार्ड भारत रत्न है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पूछा गया है तो भारत रत्न। सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र, वीरता के लिए मिलता है परमवीर चक्र। सबसे बड़ा गुरुद्वारा गोल्डन टेंपल अमृतसर। लार्जेस्ट केव टेंपल कैलाश टेंपल इलोरा की गुफाओं में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में इलोरा में कैलाश टेंपल सबसे बड़ा गुफा में बना हुआ गुफा टेंपल। हाईएस्ट पीक कौन सी है भाई, गोडविन ऑस्टिन K2 काराकोरम रेंज में है, काराकोरम रेंज में K2, ठीक है भाई। अब आगे की स्लाइड को देखते हैं ध्यान से, जल्दी जल्दी भी करना है थोड़ा सा, ठीक है। ये आपका लार्जेस्ट केव टेंपल, हाईएस्ट पीक हो गई आपकी, ठीक है। अब देखो लार्जेस्ट मौसीकी जामा मस्जिद, सबसे बड़ी मस्जिद अपने इंडिया में जामा मस्जिद दिल्ली। सबसे बड़ी टनल सुरंग से निकाली हुई जवाहर टनल बनिहाल पास जम्मू एंड कश्मीर में, जवाहर टनल जो है बनिहाल पास के, यानी टनल है ये,
सुरंग है। लार्जेस्ट ऑडिटोरियम की बात करें तो श्री सम्मुख आनंद हॉल मुंबई में, सम्मुख आनंद हॉल मुंबई। बिल्कुल लार्जेस्ट एनिमल फेयर मेला, पशुओं का मेला लगता है सोनपुर बिहार में। सबसे बड़ी केव अमरनाथ केव, सबसे बड़ा हाईएस्ट गेटवे बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी, ठीक है, उत्तर प्रदेश। किसने बनवाया? ये अकबर ने बनवाया था गुजरात को जीतने के बाद, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा। टालेस स्टैचू, अभी जो है सबसे बड़ा स्टैचू आप सभी को पता है कि कौन सा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है 182 मीटर। अब ये लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, ये SBI है भाई, सबसे बड़ा बैंक, पब्लिक सरकारी बैंक सबसे बड़ा SBI। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये कुछ बुक्स रह गई थी हमारी, कुछ और बुक्स देख लो यहां से, देखो बुक, कुछ बुक्स और है हमारी वो और देख लो, कुछ बुक्स और रह गई थी उनको और देख लेते हैं। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम स्टीफन हॉकिंग की बुक है, ठीक है। सुटेबल बॉय, बहुत इंपॉर्टेंट बुक, सुटेबल बॉय विक्रम सेठ की बुक है, सुटेबल बॉय सुजाता यादव जी। ठीक है भाई, एक बार देखो जल्दी से। टेल ऑफ टू सिटीज, बहुत इंपॉर्टेंट बुक, चार्ल्स डिकेंस की बुक है, टेल ऑफ टू सिटीज। अकबरनामा आप सभी को पता है, अबुल फजल, ध्यान से देखेंगे भाई इनको, इन क्वेश्चंस को ध्यान से देख लो, अब सुन लो इनको, इनको अपने माइंड में बैठाने हैं आपने ये क्वेश्चंस। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बुक है यहां पे, आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी। इसी आनंद मठ में से वंदे मातरम सॉन्ग भाई, वंदे मातरम सॉन्ग जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है अपने लिए। और यहां पे इंपॉर्टेंट जो है एक बुक और इंपॉर्टेंट है, ऑल थिंग्स, जेम्स हैरियट की बुक है, ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल जेम्स हैरियट की बुक है। एक VS नायपोल की बुक है, ए मिलियन म्यूटिनीज नाउ, बहुत सारे लाखों विद्रोह। MNS के लिए ही कर रहे हैं सुजाता जी, क्या मतलब है आपका इस बात का, मेरे को समझ में नहीं आई ये बात। वीडियो लाइव चल रही है, सुजाता जी दोबारा से लिखें क्या लिखना चाहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट स्लाइड को देखो अब भाई, बहुत सारा काम है अपने पास आज, तो थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो ये कुछ बुक्स रहती हैं इनको और देख लेते हैं बस। यहां पे इंपॉर्टेंट बुक है जो है ख्वाजा अहमद अब्बास की, ब्रेड ब्यूटी एंड रिवॉल्यूशन, ब्रेड ब्यूटी एंड रिवॉल्यूशन, ख्वाजा अहमद अब्बास, ठीक है जी। सिटी ऑफ जॉय, डोमेन क्लैपेरी की बुक है सिटी ऑफ जॉय। कॉमेडी ऑफ एरर्स, विलियम शेक्सपियर की बुक है कॉमेडी ऑफ एरर्स, काफी इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। एज यू लाइक इट, ये भी बुक विलियम शेक्सपियर की है भाई। हमारे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे किस देश के किस कवि को शेक्सपियर कहा जाता है, इंडिया का शेक्सपियर, किसे इंडिया का शेक्सपियर कहा जाता है। और आपकी 11 बजे सुबह 11 बजे क्लास होती है भाई, रीजनिंग की क्लास होती है डिफेंस चैनल पे आपके। चलो एक बार जल्दी से आंसर करो इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस एट द रेट ऑफ स्पीड ऑफ थॉट, बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट, ठीक है, बिल गेट्स की बुक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो अब,
अब कुछ और इंपॉर्टेंट जो आपने मैं करवा रहा था आपको, कुछ फैक्ट्स करवा रहा था, उन फैक्ट्स में आगे बढ़ते हैं। सबसे लंबी नदी गंगा नदी, ये इंडिया की पूछी गई है। अगर ये वर्ल्ड की पूछेंगे तो नील नदी है। इंडिया में ब्रह्मपुत्र भी बहुत लंबी नदी है, बट ब्रह्मपुत्र आधी चाइना से होती हुई आती है, तो इसलिए इंडिया का मार्जिन पूछ रहे हैं कि इंडिया में कितनी लंबी। तो उसमें सबसे ज्यादा लंबी है गंगा। सबसे बड़ी कैनाल नहर इंदिरा गांधी कैनाल राजस्थान के अंदर पास होती है, 649 किलोमीटर की। सबसे लंबा डैम हीराकुड डैम है भाई उड़ीसा में, उड़ीसा में हीराकुड डैम। सबसे लॉन्गेस्ट बीच मेरियाना बीच चेन्नई। सबसे बड़ी लेक देवताल लेक गढ़वाल में उत्तराखंड। सबसे बड़ी सैलाइन नमकीन पानी की लेक चिल्का लेक उड़ीसा में, वैसे सांबर लेक भी है पर ये चिल्का लेक बड़ी है। सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कोलेरू लेक है भाई। सबसे बड़ी बिगेस्ट रिवर आइलैंड्स मजूली ब्रह्मपुत्र रिवर पे, सबसे बड़े नदी पे बनने वाला सबसे बड़ा आइलैंड है भाई। बिल्कुल बिल्कुल, आपके लिए जो लेक्चर सीरीज चल रही है उसमें ध्यान से देखेंगे। सबसे बड़ी लेक वुलर लेक, लॉन्गेस्ट नहीं है सबसे बड़ी है ये। आगे देखो हाईएस्ट वाटरफॉल, सबसे बड़ा वाटरफॉल भाखड़ा। सबसे बड़ा डैम हाईएस्ट डैम। सबसे बड़ा वाटरफॉल कुंचिकल फॉल्स कर्नाटक में। सबसे बड़ी डीपेस्ट रिवर वैली भागीरथी और अलकनंदा, ध्यान रखेंगे इन क्वेश्चंस का। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट, तेज हो जाओ थोड़े से, बहुत कुछ करना है। देखो आप ध्यान से, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहां पे आर्टिफिशियल लेक गोविंद सागर भाखड़ा नंगल हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, सबसे बड़ा रेलवे लॉन्गेस्ट है ये, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर 1.5 किलोमीटर का है भाई। ठीक है, 1.5 किलोमीटर का है भाई ये, 1.3 किलोमीटर सॉरी उत्तर प्रदेश का है गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म भाई। सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट कॉरिडोर कॉरिडोर ऑफ रामनाथ स्वामी टेम्पल एट रामेश्वरम तमिलनाडु कन्याकुमारी। नीचे हाईएस्ट रोड, सबसे बड़ा रोड रोड एट खरदुंगला ले मनाली वाला, सबसे ऊंचा हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, मोटरेबल रोड हाईएस्ट मोटरेबल रोड सबसे ऊंचाई पे बना हुआ। हाईएस्ट एयरपोर्ट की बात करें तो ले एयरपोर्ट राजस्थान। सबसे बड़ा डेजर्ट, सबसे बड़ा डेजर्ट थार में है, थार में सबसे बड़ा डेजर्ट है। ठीक है जी, जल्दी से लिखें भाई। सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, सबसे ज्यादा लंबी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन वाला स्टेट है गुजरात। ऐसी नदियां जिसका डेल्टा नहीं बनता, नर्मदा और तापी, नर्मदा और तापी। ठीक है, जल्दी जल्दी से इन टॉपिक्स को कवर करो भाई। चलो अब नए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ इन्वेंशन है भाई, ये भी एग्जाम में आते हैं, कुछ इन्वेंशंस हैं, हमने ईयर याद नहीं करने, कुछ इंपॉर्टेंट। जैसे सबसे पहले यहां पे लिखेंगे स्टील की बात कर लेता हूं मैं, स्टेनलेस स्टील सबसे पहले हैरी बैरेले ने ब्रिटेन के उन्होंने बनाई भाई, बनाया स्टेनलेस स्टील। सबसे इंपॉर्टेंट सुपर कंप्यूटर जेएच वेन टेसल। टेलीफोन बेल लैब्स, टेलीफोन की बात हो रही है बेल लैब्स, टेलीफोन सेलुलर वाला बाद में आया था 1849, टेलीफोन इम्परफेक्ट वाला इससे पहले आया था, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, इसमें यही इंपॉर्टेंट था बस। नेक्स्ट देखो, कुछ बातें मैं क्लियर करना चाहूंगा, कुछ कुछ क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो यहां पे टेलीविजन वाला क्वेश्चन देखो, टेलीविजन मैकेनिकल जॉन लॉगी बेर्ड। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पीटी फांसवर्थ ने, कलर टीवी सबसे पहले कलर टीवी जॉन लॉगे बेर्ड ने, बेर्ड। ट्रांजिस्टर किसने बनाया, बार्डियन शोकले एंड ब्रेटेन।
ट्रांजिस्टर, सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर, माइकल फैराडे। फैराडे को फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बोला जाता है। फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसे बोला जाता है? माइकल फैराडे को। माइकल फैराडे को। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, यूरेनियम, ये फर्मी ने, सजिलर्ड फर्मी, यूएसए के साइंटिस्ट थे भाई। एटॉमिक रिएक्टर, इन्होंने यूरेनियम फिजन किया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट, और इन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, ग्रामफोन भाई, ग्रामफोन। देखो ध्यान से, 1878 में थॉमस एल्वा एडिसन। हेलीकॉप्टर इटाइने ओमिकन, ठीक है। हाइड्रोजन बॉम्ब एडवर्ड टेलर, पहले भी पूछ चुका हूं ये क्वेश्चन, एडवर्ड टेलर ने। मोहित डूडी, हाय भाई, हेलो। चलो जेट इंजन, जेट इंजन सर फ्रैंक विटल। माइक्रोफोन अलेक्जेंडर ग्राम बेल, याद रखेंगे। पेसमेकर हार्ट वाला जोल ने बनाया था, यूएसए के साइंटिस्ट। फोटो इलेक्ट्रिक सेल जूलियस एलेस्टर, और दोनों ने मिलके हैंस एफ ग्लेटल ने भी, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखो भाई, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो इनका, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। रेफ्रिजरेटर, रडार, साइंटिस्ट कौन कौन है देख लो आप जल्दी जल्दी से। कहां एमएस, क्या लिखा हुआ है एमएस? मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का एग्जाम है उसमें की बात कर रहे हैं, जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। पूनम रावत जी ले लिया। अब नेक्स्ट देखो, कार्ब्यूरेटर और ये सब, डीजल इंजन, डायनमो, वॉशिंग मशीन, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। डन सर, ओके। चलो बाद में और ले लो जल्दी से, इनके स्क्रीनशॉट लेते हुए चले, स्क्रीनशॉट ले लो इनके जल्दी जल्दी, इनके स्क्रीनशॉट ले लो भाई। स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस की बात करो, अब बात करते हैं स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन की, ये भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। FIDA, फेडरेशन इंटरनेशनल दास एचेस, चेस फेडरेशन के लिए है भाई, चेस के लिए। फीफा फुटबॉल के लिए फुल फॉर्म आपको नजर आ रही है यहां पे। IHF देख लो, ICC देख लो, IHF इंडियन हॉकी फेडरेशन, WTF टेबल टेनिस, BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन बैडमिंटन गेम के लिए। याद रखें कप पूछे जाते हैं, डुरंड कप, ईरानी कप, ये कहां पे किस गेम के लिए, ध्यान से सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे। अब यहां देखो ट्रॉफी, ट्रॉफी वाले क्वेश्चन बहुत आम क्वेश्चन आते हैं। क्रिकेट से ईरानी, दलीप, रणजी, एशिया कप, वर्ल्ड कप, ठीक है। और यहीं पे ईरानी ट्रॉफी भी हो गई है ये सारी। फुटबॉल में डुरंड, निजाम गोल्ड कप, रोवर, संजय नेहरू गोल्ड कप। हॉकी की बात करें, आगा खान कप, अजलान शाह कप। गोल्फ की बात करें तो कनाडा कप, ठीक है, कनाडा कप। आगे कर देता हूं मैं स्लाइड का ऊंचा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इनके। गोल्फ में कनाडा कप है भाई, गोल्फ की बात करो देखो, कनाडा कप, ठीक है, वाकर कप। टेबल टेनिस देख लेंगे, वुमेन कप के लिए कॉबी एलियन और जयलक्ष्मी कप वुमेन के लिए है ये, ठीक है। स्वेथिंग कप मैन के लिए। लॉन टेनिस की देख लो, बैडमिंटन की थॉमस कप, उबेर कप, नोरंग कप। बॉक्सिंग के लिए SPI अजानिया ट्रॉफी। रोइंग के लिए वेलिंगटन ट्रॉफी, ब्रिज रुइया ट्रॉफी, ठीक है। पोलो के लिए इजारा कप, ठीक है जी, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलो। बॉक्सिंग के लिए देख लो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ये सभी के लिए लिखी हुई है, जल्दी जल्दी से इसको पूरे को स्क्रीनशॉट ले लो। कनाडा कप गोल्फ के लिए है, बिल्कुल।
यस, कनाडा का गोल्ड के लिए है भाई, लिख लो जल्दी जल्दी से, इनको स्क्रीनशॉट लेते हुए चलो। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट है, पता है क्या है, ये कुछ टेक्निकल टर्म है गेम से रिलेटेड, ध्यान से देखो इनको, ध्यान से देखो भाई। जैसे बॉक्सिंग के अंदर लेइंग ऑन नॉक, सेकंड आउट, हैबिट पंच, अपर कट, ये सभी क्या है, ये सभी गेम के कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं गेम से रिलेटेड, पूछे जाते हैं ये। स्विमिंग में ब्रेस्ट स्ट्रोक, ट्विस्ट, बटरफ्लाई, क्रोल, ऐसे ही गोल्फ में फोरसम, स्टाइम, पुट होल, कैडी, निबलिक, आयरन, द ग्रीन, बंकिर, बेसबॉल में डायमंड, पुट आउट, स्ट्राइक, होम रन, बेसबॉल में है ये, राइफल शूटिंग में भी जैसे टारगेट, मजल फल, बुल्स आई। ऊपर का, अच्छा ले देखो भाई, ऊपर से भी देखो, चेस और हॉकी के लिए भी देख लो, लो फुटबॉल के लिए, क्रिकेट के लिए, यहां से कुछ टर्म्स हैं देख लो। अब पीछे वाले का आप ले चुके हो, इसका देख लो, अब क्वेश्चन आएंगे भाई एग्जाम में। एनडीए सीडीएस के लिए भी लेक्चर सीरीज चलती है ना भाई, अकेले एमएनएस के लिए तो नहीं क्लासेस प्रोवाइड हो सकती ना। अभी मैंने पूरा सिलेबस करवाया आपको, एमएनएस में हिस्ट्री भी करवाई, सारा कुछ करवाया, अब मैं एक आपके लिए पूरे अच्छे से निचोड़ लेके आया हूँ, अब इसको ध्यान से पढ़ लो, बस इसको ही बार बार पढ़ते रहो, निकल जाएगा एग्जाम। जीके की तरफ से बेचिंतित रहना तुम, मैं ऐसे ही लेके आता रहूंगा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लासेस, डोंट वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मोहित जी, जितना हो सकेगा आपको पूरी क्लासेस प्रोवाइड कराती जाएंगी, हम आपके लिए ही तो बैठे हैं यहाँ पे, आपके लिए तो लेक्चर सीरीज प्रोवाइड। आपको हर्षिता कुंवर, हाँ भाई मोहित, हर्षिता कुंवर को बताओ एमएनएस में रीजनिंग भी आएगी क्या, एमएनएस के एग्जाम में? हाँ, थैंक यू, वेलकम आपका मोहित जी। मोहित बताओ हर्षिता कवर को एमएनएस में रीजनिंग आएगी क्या? कमेंट करके बताएं भाई, रीजनिंग आती है या नहीं आती है एमएनएस एग्जाम में। अब आगे का स्क्रीनशॉट देखो, अब आगे ये आप ले चुके हो पहले ये गेम्स के, अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पे कुछ बायोस्फेयर रिजर्व्स और नेशनल पार्क हैं, नेशनल पार्क और बायोस्फेयर रिजर्व्स काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ये टॉपिक को ध्यान से देखो जल्दी से। ये नाम है कुछ हमारे, मानस नेशनल पार्क, मानस बायोस्फेयर रिजर्व्स कहां पे है देखो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करो, इसमें कोई मैं रैंडम नहीं भाई छांट के दे सकता, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है सारे ही। तनिष्का मिश्रा जी फर्स्ट अटैम्प्ट है, कोई दिक्कत नहीं, हेलो भाई तनिष्का मिश्रा, विजय जाट, हाँ भाई ओके, चल रहा है सेशन, जल्दी जल्दी से ये स्क्रीनशॉट लेते हुए चलो, इनको याद करना अच्छे से, ये काफी इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आया हूं मैं आपके लिए, स्टैटिक पोर्शन है, इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बायोस्फेयर रिजर्व्स हैं। ठीक है, ये सिमलीपाल, नोकरेक, अगस्त्यमलाई, कोल डेजर्ट, हिमाचल प्रदेश, ग्रेट रन ऑफ कच्छ, गुजरात, दिहांग दिबांग, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार में ग्रेट निकोबार, शेषाचलन हिल्स, कहाँ पे हैं, जगह मैंने आगे लिख रखी है, ठीक है, डन,
ओके चलो नेक्स्ट देखो अब जल्दी से, उसके बाद और इंपॉर्टेंट डाटा को भी कंप्लीट कर लो, इसको और कंप्लीट करो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, ठीक है, नंदा देवी यूनेस्को साइट है, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन की एनवायरमेंटल कुछ सिक्योरिटी साइंस के लिए क्या है, कुछ साइट्स हैं, जल्दी से डन है, आगे चलें। चंदन कुमार, साइंस यहां पे डिफेंस के लिए भी साइंस की लेक्चर सीरीज में पहले भी करवा चुका था, अभी ज्ञानम डॉट कॉलेज, हम अपना ही ज्ञानम का ही चैनल है ज्ञानम डॉट कॉलेज, उसके ऊपर चल रही है 1000 MCQs की पूरी साइंस की लेक्चर, साइंस की मैराथन क्लासेस चलती हैं, क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं MCQs। हर्षिता, बिल्कुल हर्षिता जी, अभी इसका जवाब आपको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। हर्षिता कौर का मैसेज देखो एक बार, हर्षिता कुंवर का, हर्षिता कुंवर के, इसको इनको जितनी भी इंक्वायरी सी है देखो भाई, इनको कॉल करो। अभी आपको आंसर दिलवा रहे हैं, ठीक है। नंदा देवी सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, हाँ जी, पहले गोडविन ऑस्टिन क्या है कि पाकिस्तान पीओके का रीजन, लेकिन हम डालते हैं उसको अपने इंडिया के अंदर, इसीलिए गोडविन ऑस्टिन पहली है। चलो नेक्स्ट देखो आप जल्दी से, आगे देखो ये पूरा करना है हमने। देखो अब 13 major ports इंडिया के अंदर, 13 major ports, पोर्ट्स क्या होते हैं, बंदरगाह होते हैं भाई, बंदरगाह जहां पे जहाज रुकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, शिपिंग। तो हर्षिता जी अब आपको समझ में आ गया होगा कि रीजनिंग आती है एग्जाम में, ठीक है। ये जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ये टाइडल पोर्ट कांडला गुजरात में, पारादीप एक्सपोर्ट आयरन, जापान को आयरन एक्सपोर्ट करते हैं हम, रो आयरन, विशाखापट्टनम, चेन्नई, इंदौर, जवाहरलाल नेहरू, ये जो महाराष्ट्र में है मोरमुगाव, गोवा के अंदर मुंबई, सबसे बड़ा बीजीएस एंड बिगेस्ट महाराष्ट्र में है सबसे बड़ा पोर्ट। आगे देखो अब पूरा करो इसको। ये बाकी बचे हुए लिखो भाई जल्दी जल्दी से, इंदौर, मारमुगाव, मैंगलोर, कोचीन, पोर्ट ब्लेयर, टूटीकोरन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिल्कुल होता है। चंदन कुमार जी आप प्लेलिस्ट पे जाएं, अगर आप पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें एक बार चैनल को, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएंगे सारे लेक्चर्स, प्लेलिस्ट ओपन करें, वहां से देखना आप सारे लेक्चर मिल जाएंगे आपको, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले भाई। आगे देखते हैं अब, वाटर ट्रांसपोर्ट देख लो अब इंडिया में, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है फिर भी कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं यहां से, जैसे नेशनल वॉटर वे 1 अलाहाबाद से हल्दिया आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा 1629 किलोमीटर का अलाहाबाद से हल्दिया। फिर दूसरे नंबर भी बात करें तो ये जो काकीनाडा टू मारक अलोंग गोदावरी कृष्णा रिवर पे बना हुआ,
ठीक है, आगे देखो, अब स्क्रीनशॉट ले लो बस, आप आपने याद करना है इसको। मैं पूरा बूस्ट दे रहा हूं आपको कि इस तरह के लेक्चर्स आएंगे आपके पास, आप स्क्रीनशॉट ले लो बस और याद करना स्टार्ट करो इनको। चलो अब देखो, इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज देख लो, NH1, NH2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, ये जल्दी से इनको देखो। और इस तरह के क्वेश्चन कॉमन है, पूछे जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो आप। मोहित जी स्क्रीनशॉट ले लो, चलो नेक्स्ट, जल्दी से नोट बना लो इनके, ठीक है। ये अपने क्या है, ये अपने हैं नेशनल हाईवे, वाटरवे करवा दिए नेशनल हाईवे, आपको मेजर पोर्ट करवा दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स करवा दी गई है, इतना सारा आपको करवा चुका हूं मैं। जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते हुए चलें, है ना मोहित जुड़ी जी, और फिर इसको एक्सप्लेन, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट देखो, देखो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये कुछ प्रोजेक्ट है, यानी डैम्स, डैम्स है ये प्रोजेक्ट, किस रिवर पे है, किस रिवर पे कौन सा, जैसे बाकड़ा नंगल सतलुज पंजाब, दामोदर, दामोदर नदी पे हीराकुड, आपको पता है महानदी, ठीक है, तुंगभद्रा प्रोजेक्ट, नागार्जुन सागर कृष्णा रिवर पे, कोसी, फरक्का, ब्यास, ये नदियां दे रखी हैं सामने, इन पे कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट चले हुए हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें आप अच्छे से, ठीक है, ले लिया होगा आई थिंक आपने। अब आगे देखो भाई, कुछ और प्रोजेक्ट, जैसे कोसी प्रोजेक्ट, फरक का ब्यास हो गया अपना, राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जल्दी से नोट बना लो इनके। ठीक है चलो, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। स्टेट और फोक डांस देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्टेट्स के कुछ फोक डांस, जैसे आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, असम का बिहू, बिहार का देखो ध्यान से पनवारिया, सामा चकवा, बिदेसिया, हरियाणा में झूमर, राजस्थान में घूमर, पंजाब में पंगड़ा गिद्दा, केरला कथकली, कर्नाटक यक्षगान, हिमाचल प्रदेश में झोरा झाली, चरानी, दमन, छपेली, इस तरह के फोक डांस ये एग्जाम में आते हैं भाई, स्क्रीनशॉट लो इनके अच्छे से, ठीक है। अब आगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, कुछ उनके नाम है उस्तादों के, जैसे बीन कौन बजाते थे, संतूर, सरोद, सरंगी, उस्ताद बिंदा खान, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलो, थोड़ा सा फास्ट करो, फिर एक और क्लास है ना मेरी, एक और क्लास है जिसमें साइंस की लेक्चर सीरीज, ज्ञानम डॉट कॉलेज अपने दूसरे यूट्यूब चैनल पे एक और क्लास है साइंस के, जो बच्चे पूछ रहे थे साइंस की लेक्चर सीरीज मिल जाएगी क्या, वो ज्ञानम डॉट कॉलेज पे भी जाके पढ़ सकते हैं, ज्ञानम डॉट कॉलेज पे हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है बस अब 5 मिनट में। चलो आगे देखो अब, चलो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट आपकी स्लाइड्स, जिसमें मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्चुअल स्टैटिक जीके के, आपकी जीके को पूरा इनहेंस करने के लिए, बूस्ट करने के लिए लेके आया था, ठीक है। ये आपने स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिए होंगे, आप पीछे जाके भी देख सकते हैं, जिसने जो वीडियो पे नए आए हैं, जो यूट्यूब चैनल पे अपने नए आए हैं वो ध्यान से सुने, ज्ञानम डिफेंस भी एक चैनल है और एक ज्ञानम डॉट कॉलेज है, ज्ञानम डिफेंस पे डिफेंस के सभी एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाती है, उधर एसएससी और बैंकिंग की करवाई जाती है ज्ञानम डॉट कॉलेज पे, तो ज्ञानम डॉट कॉलेज पे साइंस की 1000 MCQ की क्वेश्चन सीरीज चल रही है, अभी 10 मिनट के अंदर वो क्लासेज आपको प्रोवाइड हो रही है, ये उसका 8वां 10वां 10वां पार्ट है, मे बी आज 10वां पार्ट होगा, जिसके अंदर हम 1000 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्लियर है, तो उनको भी ज्वाइन कर सकते हो आप। सो अब हम
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में. सो थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, कीप वर्किंग हार्ड.